ये सर्दियां सरहद के लिए भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि चीन ने हिमालय पर एक सीजन की सर्दी काट लेने के बाद बड़ी साजिश रचनी शुरू कर दी है और इस साजिश का असर भारत और चीन के बीच टकराव के तौर पर दिख सकता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, बर्फ पड़ रही है, वैसे वैसे चीन विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर चुका है और इसमें उसका गुलाम यानी कि पाकिस्तान भी साथ दे रहा है। अब पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में भी चीन के सैनिकों की हलचल देखी गई। खबर के मुताबिक चीन के सैनिकों और इंजीनियरों ने पीओके में बॉर्डर पोस्ट और गांवों का सर्वे किया। सूत्रों के मुताबिक महीने भर पहले चीन के 40 से ज्यादा सैनिक पीओके पहुंचे थे और 5-6 ग्रुप बनाकर पीओके के अलग अलग इलाकों में गए थे। चीन के सैनिक जहां पर गए थे उनमें केल, जूरा और लिपा वैली शामिल है। ये वही इलाके हैं जहां आतंकियों के लॉन्च पैड है। चीन के सैनिकों के ग्रुप के साथ पाकिस्तानी फौज और ISI के अफसर भी मौजूद थे। पीठ में छुरा घोंपने के लिए कुख्यात PLA की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री फिर एक्टिव हो गई है। जिनपिंग की भोंपू मीडिया ने गीदड़ भपकियां देनी शुरू कर दी। जैसी गलवान में हिंदुस्तान के शूरवीरों के हाथों धूल चाटने के बाद दी जा रही थी सैनिकों के आराम की व्यवस्था की, तो वहीं LAC पर चीनी सैनिकों के आराम से रहने की व्यवस्था की गई ताकि PLA के सैनिक सर्दियों के दौरान ज्यादा ऊंचाई पर लंबे समय तक तैनात रह सके, खासकर जब तापमान तेजी से 0 से नीचे चला जाता है। पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट में बताया था PLA शिनजांग सैन्य कमान के तहत एक ब्रिगेड को सौंपे गए कर्मियों को नई तरह की वेस्ट दी गई है। इन लोगों ने 5300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से ढके पठार पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। नई वेस्ट से तेज हवा से बचा जा सकता है और ये गर्म रखने में मदद करेगी। खतरों से बचाने के लिए डिवाइस दिए। चीन ने अपने सैनिकों को खतरों से बचाने के लिए ऐसे डिवाइस भी दिए जिससे वो तुरंत खुद को संकट की स्थिति से निकाल सकता है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षेत्र में एक अन्य रेजिमेंट के सैनिकों को सर्दियों के नए कपड़े जैसे रिचार्जेबल बनियान, घुटने की रक्षा के लिए पहने जाने वाले डिवाइस और स्पेशल कोट दिए हैं। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि अक्टूबर के मध्य में PLA के शिनजांग मिलिट्री कमांड के खोटन मिलिट्री सब कमांड के सैनिकों के लिए ऑक्सीजन थेरेपी के लिए एक प्रकार का बैलेंस्ड एयर प्रेशर चैम्बर इस्तेमाल किया गया था। इससे उन्हें ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। ऑक्सीजन के डिवाइस भी दिए गए। फ्रंटलाइन सैनिकों के लिए पोर्टेबल ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन चैम्बर और व्यक्तिगत ऑक्सीजन आपूर्ति डिवाइस दिए गए हैं, जिसे ज्यादा ऊंचाई वाले पठार पर बैरकों को संचालित किया जाता है और कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा जैसे कई ऊर्जा स्रोतों से उन्हें गर्म भी किया जाता है। PLA बॉर्डर रेजिमेंट कमांडर ने कहा, सभी चौकियां सरकारी पावर ग्रिड से जुड़ी हैं, वहां संचार बेस स्टेशन मौजूद है। सर्दियों की शुरुआत पहले से रेजिमेंट ने बुनियादी ढांचे का निर्माण किया ताकि सर्दी के वक्त आने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। चीन की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री क्यों हुई एक्टिव? दरअसल लद्दाख की बेजान चोटियां पूरी तरह से बर्फ के आगोश में जाने वाली हैं। चंद दिनों में तापमान -40 डिग्री से नीचे पहुंच जाएगा। जब इस आबोहवा में आम इंसानों को रहना मुश्किल हो जाएगा तब भी हिंदुस्तान के शूरवीर यहां डटे रहेंगे। लद्दाख की सर्दी और हिंदुस्तान की तैयारी चीन की दुखती रख है। लिहाजा जिनपिंग की बुज़िल फौज और भोंपू मीडिया वीडियो और ट्वीट के जरिए अपनी ताकत का बखान करके ये जताना चाह रहा है कि वो मजबूत पोजीशन में है। ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट के मुताबिक भारत चीन सीमा पर सर्दी में संघर्ष होने की संभावना नहीं है। हाँ, छोटे स्तर पर तनाव हो सकते हैं। इसका मतलब ये है सर्दी की चुनौती से निपटने के लिए सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए रसद पहुंचाना बहुत जरूरी है और इस मामले में भारत के मुकाबले चीन बहुत अच्छी स्थिति में है। लद्दाख में PLA के सैनिक पिछली सर्दी गुजार चुके हैं और उसमें उनका क्या हाल हुआ वो जान लीजिए। PLA के फौजी हिमालय का सख्त और सर्द मौसम सहन नहीं कर पा रहे हैं, सैनिक बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए सैनिकों की लगातार अदला बदली हो रही है। LAC पर चीन को 9 महीने के भीतर अपने 3 कमांडर बदलने पड़े। सर्दी की वजह से PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर झांग जुडोंग की मौत हो चुकी है। जिस आबोहवा में PLA के जवान बीमार पड़ रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, उसी आबोहवा में हिंदुस्तान के शूरवीर डटे हुए हैं। हमारे सैनिकों की इस ताकत को, हौसले को हमारी तैयारियां और बढ़ा देती है।
पूर्वी लद्दाख में भारत ने चीन के बराबर ही यानी कि 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं, जो हाईटेक हथियारों और उपकरणों से लैस हैं। उनके पास K9 वज्र, तोप, M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्ज़र गन्स, T90 भीष्म टैंक और BMP-2 के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी हैं। ये तमाम तैयारी बताती हैं कि हमारी फौज की तरफ से LEC पर चीन से डील करने की स्ट्रेटेजी पूरी तरह से बदल गई है। भारत ने पहले सीमा पर चीनी अतिक्रमण रोकने के लिए सैनिक तैनात कर रखे थे, लेकिन अब दल बल में भारी बढ़ोतरी करके जवाबी हमला करने और चीनी सीमा में प्रवेश करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। मतलब ये, अब अगर चीन ने कुछ भी ऐसा वैसा करने की बात दूर, अगर सरहद पर हद लांघने की सोची भी तो उसके होश ठिकाने लगाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी। We'll be right back.